हाय गाइस, वेलकम बैक टू पावर ट्रेड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी थोड़ी सी यूनिक होने वाली है। इसमें हम लोग एक मेन इंडिकेटर होगा और दो तीन हमारे असिस्टिंग या कंफर्मेशन इंडिकेटर्स होंगे। पहले तो मैं बताऊंगा कि ये एक्चुअल में कैसे ये स्ट्रेटेजी काम करती है, फिर मैं इसी इंडिकेटर से मैं इसको कैसे यूज़ करता हूँ उसका एक बेसिक आइडिया बताऊँगा। तो ये स्ट्रेटेजी 5 मिनट्स एंड अबोव के टाइम पीरियड के लिए है, तो इसको 1 या 3 मिनट्स के लोअर टाइम फ्रेम पे यूज़ ना करें, 5 मिनट्स और अबोव के टाइम फ्रेम में यूज़ करें। फिलहाल मैं इसको बैंक निफ्टी के 5 मिनट्स के चार्ट पे दिखाता हूँ। कैंडल्स नॉर्मल है। इंडिकेटर्स में जाके हम लोग हमारा मेन इंडिकेटर पहले सर्च करेंगे, NSDT स्कैल्पिंग चैनल। आपको सर्च करना है NSDT। आप लोग सर्च करेंगे तो सबसे पहले आएगा NSDT स्कैल्पिंग चैनल, नॉट स्टार डे वाला 1671 यूजर्स, इसको सिलेक्ट करना है। तो ये हम लोग ने सिलेक्ट कर दिया। अब हम लोग दूसरा इंडिकेटर सर्च करते हैं, उसको लगा देते हैं ताकि एक्सप्लेन करने में मेरे को इजी हो। तो हम लोग दूसरा इंडिकेटर सर्च करेंगे, ब्रेक्स एंड रीटेस्ट। तो आपके सामने सपोर्ट रेजिस्टेंस विद ब्रेक्स एंड रीटेस्ट होन गेटी 1341 यूजर्स आएगा, तो ये वाला हम लोग लगा देंगे। ये ओरिजिनल स्ट्रेटेजी है, तो ये हम लोग ने लगा दिया। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले तो ब्रेक्स एंड रीटेस्ट को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये ब्रेक्स एंड रीटेस्ट इंडिकेटर हमको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स बनाता है मार्केट में, और हमको ब्रेकआउट जब भी होता है यानी मार्केट सपोर्ट को तोड़ के ऊपर जाता है तब इंडिकेशन देता है, और रीटेस्ट के भी इंडिकेशन देता है। ये लाइव मार्केट में जब भी ब्रेकआउट होता है तो ब्रेक का इंडिकेशन देता है, रीटेस्ट होता है तो रीटेस्ट का इंडिकेशन देना है। बेसिकली ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का इंडिकेटर है जो हमें मार्केट में ऑटो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स ड्रॉ करके दे देता है और ब्रेकआउट वगैरह के इंडिकेशंस दे देता है। इसमें छोटे से एक चीज़ बता देता हूँ, इसकी सेटिंग्स में जाके आप लोग इनपुट्स में जाके ये जो ब्रेक रीटेस्ट है, रीटेस्ट को अनचेक भी कर सकते हैं। जब इसको आप अनचेक करेंगे तो रीटेस्ट के सिग्नल्स नहीं आएंगे, सिर्फ ब्रेकआउट के ही सिग्नल्स आएंगे। तो इसको आप लोग चाहे तो अनचेक भी कर सकते हैं। और ये रीपेंटिंग जो है इसको यहाँ पे ऑफ कर देना है, ऑफ कैंडल कन्फर्मेशन। एक भी यहाँ से दिखा देता हूँ, रीटेस्ट को जो भी अभी करंटली ऑन यानी डिफॉल्ट मोड में ऑन पे है उसको ऑफ कर देना है ताकि रीपेंटिंग ना हो। तो छोटी सी सेटिंग्स थी इसमें, तो ये हमने सेटिंग कर दी। तो अब जब भी मार्केट ब्रेकआउट देगा तो आपको ब्रेकआउट के इंडिकेशंस मिल जाएंगे, तो उसके बेस पे आप कॉल या बाय पुट या सेल में एंटर कर सकते हैं। और ऐसा ये जनरल इंडिकेटर है जो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करता है। तो ये इतना सा एक्सप्लेनेशन था ब्रेक्स एंड रीटेस्ट का, इस इंडिकेटर का। अब हम लोग मेन इंडिकेटर का एक्सप्लेनेशन देते हैं। NSDT स्कैल्पिंग चैनल हमें जब भी मार्केट सपोर्ट से ऊपर जाता है यानी, तो ये ग्रीन कलर की लाइन बनाता है, और जब भी मार्केट रेजिस्टेंस लेवल से रिवर्स होता है तब ये रेड कलर की लाइन बनाता है। ऐसा आप लोग देख सकते हैं, और आप लोग ये भी नोट कर सकते हैं कि जब भी ये ग्रीन कलर की लाइन बनाता है तो रेड कलर की लाइन ग्रे हो जाती है, और इसके अपोजिट जब भी ये रेड कलर की लाइन बनाता है तो ग्रीन कलर की लाइन ग्रे हो जाती है। मतलब जब भी, इन शॉर्ट, जब भी ये सपोर्ट के पास आएगा और सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा तो ये ग्रीन कलर का लाइन बनाएगा। इसका मतलब हम लोग कॉल या बाय में एंटर कर सकते हैं। सिमिलरली अपोजिट जब ये रेजिस्टेंस लेवल से रिवर्स होगा तब ये रेड कलर का लाइन बनाएगा, किसका मतलब है कि हम लोग पुट या सेल में एंटर कर सकते हैं। सिंपल सा इंडिकेटर है जो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पे हमें कॉल या बाय पुट या सेल में एंट्री के सिग्नल्स देता है। तो इन दोनों इंडिकेटर की हेल्प से आप लोग आराम से मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के बेसिस पे कॉल या बाय पुट या सेल में एंट्री कर सकते हैं, स्कैल्पिंग या ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये एक बार मैं पूरी स्ट्रेटेजी को शॉर्ट में वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन शायद होगा कहीं किसी के माइंड में। तो स्ट्रेटेजी सिंपल सी है कि जब भी मार्केट इस सपोर्ट के लाइन के बाजू में मार्केट आएगा और प्लस ये NSDT स्कैल्पिंग चैनल उस समय ग्रीन कलर की लाइन बनाएगा, तब हमें कॉल या बाय में एंटर करना है। और उसके अपोजिट जब भी मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल यानी ग्रीन लाइन के नज़दीक आएगा और ये NSDT स्कैल्पिंग चैनल रेड कलर की लाइन बनाएगा, तब हमें पुट या सेल में एंटर करना है। सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, दो इंडिकेटर्स की हेल्प से आप लोग राइट टाइम पे मार्केट में कॉल या बाय पुट या सेल में एंटर कर सकते हैं। और एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए आप लोग इसमें अपना फेवरेट RSI या वॉल्यूम या
कोई भी इंडिकेटर लगा सकते हैं, स्टॉकेस्टिक RSI है, MACD है या QQE मोड है, जो भी आपको ठीक लगे। वैसे भी ट्रेडिंग व्यू में 3 इंडिकेटर लगा सकते हैं, 2 तो ये हो गए, तो एक ही एक्स्ट्रा आप लोग लगा सकते हैं। तो ये तो हो गई ये स्ट्रेटेजी कैसे यूज़ करनी चाहिए। अब मैं बताता हूँ इसी स्ट्रेटेजी को कैसे अलग वे में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जिससे स्कैल्पिंग या ट्रेडिंग और भी सिंपल हो जाएगी। तो मैं ब्रेक्स एंड रिटेस्ट का ये ऑफ कर देता हूँ, ये इंडिकेटर मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ये जब ये इंडिकेटर मुझे ब्रेक्स जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पे ग्रीन और रेड कलर की लाइन ऑलरेडी बना ही रहा है, तो मैं क्यों एक्स्ट्रा एक इंडिकेटर लगाऊँ जब मुझे ऑलरेडी पता ही है कि ये सपोर्ट के लेवल से ग्रीन कलर की लाइन बनाएगा और रेजिस्टेंस लेवल से रेड कलर की लाइन बनाएगा। तो मैं क्यों एक्स्ट्रा जिसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाऊँ, इससे अच्छा मैं इस इंडिकेटर में स्क्वीज मोमेंटम इंडिकेटर लगा देता हूँ, जो मैंने उस दिन बताया था, एक दिन ये लगा देता हूँ और QQE मोड लगा देता हूँ, मेरे फेवरेट दोनों इंडिकेटर। तो ये स्ट्रेटजी अब मेरे लिए और भी एक्यूरेट एंट्री एग्जिट के सिग्नल दे देगी। तो मैंने इसमें दोनों लगा दिए है, तो इस स्ट्रेटजी को मैं और भी एक्यूरेटली प्ले कर सकता हूँ। अब मैं 3 इंडिकेशंस के बेस पे, 3 कंफर्मेशंस के बेस पे कॉल या बाय पुट या सेल में एंटर कर सकता हूँ। कॉल या बाय में एंटर करने के लिए जब भी NSDT स्कैल्पिंग चैनल में ग्रीन कलर की लाइन बनेगी और स्क्वीज मोमेंटम भी नीचे से क्रॉस ओवर देगा, प्लस QQE मोड में भी ब्लू या ग्रीन कलर के बार्स बनेंगे, तब मैं कॉल या बाय में एंटर करूँगा। और उसके अपोजिट जब कंडीशंस होगी तब मैं पुट या सेल में एंटर करूँगा। जैसे कि यहाँ पे मैं पुट या सेल में एंटर करूँगा यहाँ से, और यहाँ पे मैं कॉल या बाय में एंटर करूँगा। तो ये स्ट्रेटजी अब मेरे लिए और भी एक्यूरेट बन गई है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल भी है, प्लस वॉल्यूम भी मैं देख रहा हूँ, प्लस मार्केट में ओवरबॉट या ओवरसोल्ड तो नहीं है ऐसा। और सपोज़ अगर मुझे और भी एक्यूरेट चाहिए या मेरे को सिर्फ बिग मूव्स ही लेने हैं, तब मैं स्क्वीज मोमेंटम इंडिकेटर में जब ये ऐसे वाले जब ये बीच की लाइन जब हाईलाइट होगी तभी एंट्री करूँगा। लेकिन मुझे सिर्फ बड़े मूव्स नहीं चाहिए, मुझे एंट्री वहाँ पे करनी है जहाँ पे नीचे के लेवल से एंट्री करनी है कॉल में, और ऊपर के लेवल से एंट्री करनी है पुट में। तो मैं यहाँ पे कहीं पे एंटर करूँगा, यहाँ पे एग्जिट कर दूँगा कॉल से, सिमिलरली यहाँ पे पुट में एंटर करूँगा, यहाँ पे एग्जिट कर दूंगा पुट से। कितने सिंपल से स्ट्रेटजी हो गई। तो अब मैं इस स्ट्रेटजी को थोड़ा सा बैकटेस्ट करके दिखा देता हूँ, जिससे और भी अच्छे से एक्सप्लेनेशन समझ में भी आए और इसकी एक्यूरेसी भी पता चल जाए। तो चलिए देखते हैं बैकटेस्ट करके। कहीं पे मैं कॉल में एंटर करूँगा, यहाँ से मैं यहाँ पे कहीं पे कॉल से एग्जिट कर दूंगा, सिमिलरली यहाँ पे कॉल में एंटर करूँगा और यहाँ पे कॉल से एग्जिट कर दूंगा। ये पूरा साइडवे मार्केट है। सिमिलरली मैं यहाँ पे कहीं पे कॉल में एंटर करूँगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन हुए है, यहाँ पे ग्रीन भी हो रहा है, क्रॉसओवर भी हो रहा है और ग्रीन कलर के बाज भी है, तो यहाँ पे मैं कॉल में एंटर करूँगा और यहाँ पे ऊपर जब क्रॉसओवर हट जाए, क्रॉसओवर री क्रॉसओवर होगा, तब मैं कॉल से एग्जिट कर दूंगा। सिमिलरली यहाँ पे कॉल में एंटर करूँगा, यहाँ पे कॉल से एग्जिट कर दूंगा। सिमिलरली यहाँ पे पुट में एंटर करूँगा, यहाँ पे पुट में से एग्जिट कर दूंगा, यहाँ पे पुट में एंटर करूँगा यहाँ पे और यहाँ से पुट में एग्जिट कर दूंगा। कितनी एक्यूरेट स्ट्रेटेजी। यहाँ पे कॉल में एंटर करूँगा, यहाँ पे कहीं पे और यहाँ पे कॉल से एग्जिट कर दूंगा, यहाँ पे कॉल में एंटर करूँगा, यहाँ पे कॉल से एग्जिट कर दूंगा, यहाँ पे पुट में एंटर करूँगा, यहाँ पे पुट में एग्जिट कर दूंगा। वैसे बार बार बताने की तो ज़रूरत नहीं है, जब भी QQE मोड में ग्रीन ग्रे कलर के बार्स होंगे या कोई बार्स नहीं होंगे, तब मैं कोई भी कॉल या बाय पुट या सेल में एंटर नहीं करूँगा। यहाँ पे पुट में एंटर करूँगा, यहाँ से पुट में एग्जिट कर दूंगा। आप लोग अपने पसंद के हिसाब से, अपने प्रेफरेंस के हिसाब से NSDT स्कैल्पिंग चैनल की लाइंस, कलर्स, थिकनेस वगैरह चेंज कर सकते हैं। सेटिंग्स में जाके आपको ये जो अपर लाइन है ये वाली लाइन है, लोअर लाइन ये वाली लाइन है, तो ये जो रेड है इसको भी आप लोग चेंज कर सकते हैं, आपका फेवरेट कलर दे सकते हैं। फिर यहाँ पे जो वाइट है, यानी कि जहाँ पे कोई सिग्नल नहीं होता, वहाँ पे जो पहले ग्रे दिखाया था मैंने इसको वाइट किया, आप लोग अपना कोई भी फेवरेट कलर चूज़ कर सकते हैं।
सिमिलरली लोअर लाइन में भी जहाँ पे ग्रीन है वहाँ पे भी आप अपना फेवरेट कलर लगा सकते हैं, और कलर में जहाँ पे पहले ग्रे था मैंने वाइट किया, आप लोग अपना फेवरेट कलर कोई भी चूज कर सकते हैं। और थिकनेस वगैरह, लाइंस की थिकनेस, ओपेसिटी वगैरह आप लोग अकॉर्डिंगली अपने प्रेफरेंस के हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं। अपर शेडिंग, लोअर शेडिंग कुछ नहीं है तो इनको आप लोग अनचेक कर सकते हैं, लेबल्स और वैल्यूज को भी अनचेक कर सकते हैं और ओके कर देना। होप ये स्ट्रैटेजी आपको समझ में आई होगी और यूजफुल लगी होगी। स्ट्रैटेजी समझ में आई, यूजफुल लगी तो स्ट्रैटेजी को सेट कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए, पेपर ट्रेनिंग कीजिए और कॉन्फिडेंस आने पर लाइव मार्केट में यूज करके देखिए। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजीज पे वीडियोस लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।